अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग उसके छाती पर चढ़कर सुनवाने का काम करेंगे। छाती पर चढ़ के? जी बिल्कुल, चाहे मरना पड़े तो यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन इस बार लेके जाएंगे। घरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर हम लोग सो गए कलम के सिपाही तो ये वतन बेच देंगे। और वो बोनलेस एजुकेशन दे रहा है भाई साहब, ऐसा शिक्षा विद्यार्थी पैदा कर रहा है जिसमें हड्डी ही नहीं है शिक्षा में। जब तक नौकरी नहीं दीजिएगा, जब तक विज्ञप्ति नहीं दीजिएगा, तब तक लाठी खाएंगे। देखिए सरकार का रवैया तुरंत तुरंत बदलता है। जब छठा चरण चल रहा था तो खुद बोल रही थी कि छठा पूरा होगा तो सातवां देंगे। छठा पूरा हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है और सातवां देने के अभी किसी मूड में नहीं है सरकार। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। गर्दनी बाग में एक बार फिर से सीटेट और बीटेट के छात्र जो है वो आ गए हैं। क्या मांग रहेगा इस बार? सर हमारा मांग है कि प्राथमिक सातवां चरण, बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी का जो सातवां चरण है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करे नोटिफिकेशन उसका डेट के साथ। क्या लगता है गर्मी में बैठने से ऐसे सरकार बात मान जाएगी? क्या लग रहा है? देखिए सरकार का रवैया तुरंत तुरंत बदलता है। जब छठा चरण चल रहा था तो खुद बोल रही थी कि छठा पूरा होगा तो सातवां देंगे। छठा पूरा हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है और सातवां देने के अभी किसी मूड में नहीं है सरकार। किसी मूड में नहीं है जी। तो कैसे करेंगे? वही तो मनमाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उनकी आंखों और कान को भी खुलवाना है। खुल पाएंगी? जी बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ आए हैं नवादा से चल के। क्यों यहाँ आए? जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। आप कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। हम लोगों का बस इतना मांग है कि सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन सरकार जल्द जारी करे, प्राइमरी नोटिफिकेशन। हम लोगों को बस इतनी मांग है। हम इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में मुजफ्फरपुर से आई हूँ। हम लोगों का शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। हम लोग यहाँ पर बैठते जैसे अच्छा, अभी हम सब स्कूल में रहते तब हमारे बच्चे का फ्यूचर बनता। जब हम सब यहाँ पर बैठेंगे शिक्षक तो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? बिहार का फ्यूचर क्या होगा? हम आपके माध्यम से आपका फ्यूचर क्या होगा? सब शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी के हाथ में। हम सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सातवां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। इस गर्मी में हम लोग कितना दूर से सीतामढ़ी से आए हैं हम, और सुबह से बैठे हुए, लेकिन हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि क्या होगा। हम लोग दूर से आप लोग आ गए हैं, क्या लगता है इस बार कुछ होगा? यस सर, कुछ होगा नहीं, करवाया जाएगा। अगर प्राथमिक चरण का नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये धरना कहीं नाम है अनिश्चितकालीन महाधरना प्रदर्शन। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग उसके छाती पर चढ़कर सुनवाने का काम करेंगे। छाती पर चढ़ के? जी बिल्कुल। धारा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर हम लोग सो गए कलम के सिपाही तो ये वतन बेच देंगे। इसके पास बहुत सारे रिक्तियां है। अभी तक तो छठी चरण के बीरबल के खिचड़ी बन। जी हम अररिया से आए हैं, यहाँ अररिया से आए हैं। 400 किलो यहाँ से 400 किलोमीटर दूरी पड़ती है और बार बार आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहा है, अगर इस बार अगर नहीं सुन रहे हैं तो इसके बाद कल भूख हड़ताल होगा। भूख हड़ताल नहीं होगा तो मुंडन होगा। मुंडन नहीं होगा तो हम लोग मुंडन हड़ताल होगा। सब अपना टकला बनाएंगे, हाँ बाल छिलवा लेंगे सारे लड़के, हाँ बाल छिलवा लेंगे। बाल छिलने के बाद नहीं मानेगा, अमरसन होगा। अमरसन नहीं चलेगा तो आत्मदेह का लास्ट करके हम लोग यहीं से समाप्त। क्या कह रहे हैं कि कल बाल छिलवा लेंगे? जी सर, बाल छिलवा लेंगे। जब तक नहीं नोटिफिकेशन देता है तब तक हम लोग यहाँ जी जान लगा देंगे। चाहे मरना पड़े तो यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन इस बार लेके जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है यहाँ पे, सीटेट बीटेट के छात्र हैं। तो क्या लगता है सातवां चरण का कुछ होगा? सातवां चरण तो सरकार को चाहे न चाहे करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। सिर्फ यही ऑप्शन है कि सरकार सातवीं चरण की विज्ञप्ति जल्द जारी करे, वरना सरकार चैन से नहीं हम लोग बैठने देंगे। हर दिन कुछ न कुछ करेंगे। पटना की सड़कों पर हर चप्पे चप्पे पर शिक्षक के अभ्यर्थी नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर बिल्कुल तो ताकत दिख जाएगा क्या सरकार? सर कैसी बहाली जब आधी सीट खाली? ये कैसी बहाली है जो आधी से ज्यादा सीट खाली है? तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग 3 साल से दंश झेल रहे हैं, 3 साल से आप सिर्फ आश्वासन से आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन 3 साल से अब तक हमको अभी तक डेट लिखित तौर पर नहीं, और हम लोगों को अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है ये जब तक हम लोग लिखित तौर पर नहीं देगा, हम लोग आंदोलन चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। ये पूछिए सर, सवाल क्या पूछिएगा, कोई बचा है? यहाँ पे सब शिक्षा की मांग कर रहा है। सरकार चावल गेहूं देगा, भिक्षा की बात कर रहा है, और वो बोनलेस एजुकेशन दे रहा है भाई साहब। ऐसा शिक्षा विद्यार्थी पैदा कर रहा है जिसमें हड्डी ही नहीं है शिक्षा में। अब बताइए बोनलेस होगा तो कितना देर चलेगा यहाँ से वहां तक, 8वां से 10वां तक, 12वां के बाद मजदूरी, मतलब गरीब और गरीब और गरीब और गरीब। और बात करता है समग्र शिक्षा, है ना, सस्टेनेबल। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और इस बार जो आश्वासन नहीं सुने, इस बार सातवां चरण सबसे बड़ी बात है कि सरकार युवाओं का विरोध नहीं कर रहा है जी।
सरकार युवाओं का विरोध करता तो लगता है कि ठीक है भाई हम युवा है कहीं कमा खा लेंगे जी। सरकार गरीब का विरोध कर रहा है, मतलब गरीब पढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। और सरकारी सिस्टम को खराब करके एक ही चीज सरकार कर सकती है, वो है प्राइवेट स्कूल को और बढ़ाना। सरकारी को इतना गिरा दो कि प्राइवेट ऑटोमेटिक बढ़ जाए, बस एक ही काम हो रहा है और आप इसको भरे भरे देखते होंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ बिहार के शिक्षा मंत्री जी से, आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से शिक्षकों की कमी है उसी तरह से बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान है। 3,25,000 लगभग रिक्ति बची हुई है प्राथमिक सीटेट बीटेट लोगों के लिए, जो 1 से लेकर 8 तक बहाली के लिए सीट स्कूल में बची हुई है। मैं उनसे मांग करता हूँ, शिक्षा मंत्री से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का नोटिफिकेशन। कब तक मांगते रहिएगा? जब तक नहीं देंगे तब तक मांगते रहेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, अब जाने वाले नहीं है। हम लोग कमर कस के बैठ गए हैं कि जब तक आप नहीं कुछ लिखित दीजिएगा तब तक हम लोग यहाँ से अब नहीं हटने वाले हैं। कुछ भी हो जाए लाठी मारिएगा ना, और क्या कीजिएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे। जब तक लाठी खाते रहेंगे, जब तक नौकरी नहीं दीजिएगा, जब तक विज्ञप्ति नहीं दीजिएगा तब तक लाठी खाएंगे, क्या करेंगे। अपने आप पे तरस नहीं आता है? तरस तो आता है ये देख के सरकार की स्थिति को, कि जिस प्रकार ये लोग 19 लाख नौकरियों की बात किए थे चुनाव से पहले, और जब चुनाव बीत जाता है तो लाख तो छोड़िए हजार में भी नौकरियां नहीं दे पाते हैं। और हम लोग जब अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरते हैं तो ऐसा पाते हैं कि जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हैं, जैसे इन लोग हम लोग के ऊपर अत्याचार करते हैं, लाठियां बरसाते हैं। कल भी आप PMCH में देखेंगे कैसे छात्राओं पर लाठी बरसाया गया है। तो ये खुद को जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये कबाड़ इंजन की सरकार है। कबाड़ इंजन की सरकार है, तो क्या वाकई में ये कबाड़ इंजन की सरकार है? जी बिल्कुल सर, एकदम कबाड़ इंजन की सरकार है। बताइए यहाँ पे कल के डेट में हमारे जैसे मतलब सैकड़ों बच्चों का BPSC का कल एग्जाम है, वो लोग अपना एग्जाम की तैयारी छोड़ के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में हमारे साथ बैठे। जी बिल्कुल, बहुत दूर दूर सेंटर होने की वजह से छोड़ दे रहे हैं लोग। हम लोग यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही चले हुए हैं और भूखे प्यासे यहाँ पे अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सर सरकार है जो हमारी बात को सुन ही नहीं रही है, गूंगी बहरी सरकार एकदम हो गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कल बाल छिलवा लेंगे, बाल मुंडवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। सरकार जो है एक तरफ वादा करती है कि हम रोजगार देंगे, देखते हैं आप केंद्र सरकार वादा करती है, राज्य सरकार वादा करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार आप कहाँ पे है देख लीजिए। आज जो है जिन शिक्षकों को स्कूलों में होना चाहिए वो शिक्षक जो आज सड़कों पे मौजूद है, वो जो है वाजिब जो है डिग्रियां हासिल किए हैं, उसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम पास किए हैं, और पास करके ये देखिए सड़कों पर बैठे हुए। अभी जिसको जो है बिहार के बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए, लेकिन वो आज जो है अपना भविष्य जो है सड़कों पर आकर के खराब कर रहे हैं। तो ये देखे बिहार के जो सरकार है, सुशासन बाबू जिसको कहा जाता, खुद को सुशासन बाबू कह लेते हैं, लेकिन जो है काम देखिए क्या है। बिहार जो है आज रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा है, शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा है, बहुत सारे मामलों में जो है हम गरीबी के मामले में पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा है। चलिए आते हैं आपके पास, आप लोग बताइए कि कब तक बैठिएगा, कब तक मांगते रहिएगा? सर हम लोग जब तक बैठेंगे, जब तक सरकार किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा तब तक हम बैठेंगे, और सरकार को फाइनली देना पड़ेगा, और इसमें हम लोग झुकेंगे नहीं। कल लोग कह रहे हैं कि बाल मुंडवा लेंगे। हाँ बाल मुंडवा लेंगे, कल बाल मुंडवा लेंगे। हाँ जी सर, जरूर जरूर बाल मुंडवाएंगे। कहा है कि देखिए सर, 3 साल से हम सब वेट कर रहे हैं, सीटेट 2020 से ही पास है, उसके बाद भी बहाली आश्वासन और साधन नीतीश बाबू दे रहे हैं, और विजय बाबू और संजय सर भी, इसलिए हम सर सब बाढ़ की और भी जो को भी आगे पढ़िए। देखिए सीटेट बीटेट के छात्र यहाँ मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पे, और साफ कह दिए हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं दिया गया तो कल हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, बाल भी मुड़वा लेंगे, और बहुत चीज जो कुछ क्या नहीं कर देंगे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइक चीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।